जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं आपको पितृ पक्ष में गया जी में पिंडदान करने का क्या महत्व है वो बताने जा रही हूँ। उसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, क्या विशेषता है, जिसकी वजह से आज भी हमारे परिवार में किसी में भी यदि किसी की प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो गया जी में पिंडदान करने से उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है ये कहा जाता है। ऐसी कौन सी पौराणिक कथा है तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनसे भूलवश एक असुर दैत्य की भी रचना हो गई। असुर कुल में उन्होंने एक असुर की भी रचना कर दी है जिसका नाम गया पड़ा, जिसका नाम गया रखा गया। अब वो असुर कुल में जन्म तो नहीं लिया था उसने, वो तो ब्रह्मा जी ने उसकी रचना करी थी, तो इसलिए उसमें कोई भी गुण असुरों वाले नहीं थे। वो भगवान को बड़ा प्रेम करता था, श्री हरि को, सब देवी देवताओं का सम्मान करता था, आराधना करता था। उसके मन में एक खटका रहता था कि भले ही वो संत प्रवृत्ति का है लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म इतने अर्जित कर लिए जाएं ताकि उसको स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तप से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर लिया और भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने कहा, प्रभु आप मेरे शरीर में वास करिए, मेरे हृदय में वास करिए, मेरे शरीर में वास करिए, जो भी मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा, क्यों, अपने पुण्य अर्जित करने के लिए, जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई, कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता उसके तो पाप नष्ट हो जाते, यमराज उसे नर्क भेजने की तैयारी कर रहे होते और गयासुर के प्रभाव से वह स्वर्ग का भागी बन जाता। यमराज को हिसाब रखने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, बड़ा संकट आ गया था ये तो। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को ना रोका गया तो आपका यह विधान समाप्त हो जाएगा, सारी जो कानूनी व्यवस्था है भगवान की कि वो सब चरमरा जाएगी, कैसे होगा, न्याय व्यवस्था अगर नहीं होगी तो कैसे सब कुछ चलेगा, इसलिए आप सभी को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था करिए जिससे जो गयासुर अपने इस कार्य से रुक जाए। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला, उन्होंने गयासुर से कहा तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा, उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गया दैत्य था वो तो तुरंत तैयार हो गया क्योंकि वो तो भगवान के उपासक था, भगवान की आराधना करता था, उसके अंदर दैत्य वाली कोई भी आदत नहीं थी, तो वो तो तुरंत तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर उसके ऊपर बैठ गए। अब जब बैठ गए हैं इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ, वह स्थिर नहीं रहा, गया तब भी चलता रहा, अपने पुण्य अर्जित करता रहा, लोगों को घूम घूम कर स्वर्ग भेजता रहा। सारे देवता यज्ञ कर रहे हैं उसकी पीठ पर बैठकर लेकिन वो तब भी सारे लोगों को दर्शन दे रहा है, अपने अपने दर्शन मतलब श्री हरि के दर्शन दे रहा है और सबको स्वर्ग भेज रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी है। देवताओं को बड़ी चिंता हुई, उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे तो श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि देवताओं के साथ बैठ जाए तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्री हरि भी उसके शरीर पर बैठ गए। जब देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी प्रभु अब तो आप ही सहायता करो तो भगवान श्री हरि उसकी पीठ पर विराजमान हो गए हैं। श्री विष्णु को भी सभी देवताओं के साथ शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो जा रहा हूँ, अब मैं स्थिर हो जा रहा हूँ, घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य अब मैं बंद कर दूंगा, मैं पत्थर बन जाऊंगा, एक शिला बन जाऊंगा, लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि का आशीर्वाद है इसलिए यह व्यर्थ तो नहीं जाएगा, इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दो। उसके हृदय में ये थी ना मैं शिला बन जाऊँ, तो उसने भगवान से कहा, प्रभु अब मैंने
आपकी मर्यादा का पालन करने के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं यहाँ स्थिर हो जाऊंगा, तो आप मुझे वरदान दीजिए, मैं शिला बन जाऊं और यहीं स्थापित कर दीजिए मुझे। भगवान उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गया ने कहा, नारायण मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले सारे तीर्थों के लिए बहुत ही विशेष बन जाए। मृत्यु के उपरांत जो कार्य पिंड दान किया जाता है उसके लिए विशेष बन जाए, जिससे कि उन मृत्यु उपरांत जो व्यक्ति है उसकी मोक्ष हो जाए। विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के लिए कल्याण का वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम बन गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण जो भी करेगा वो मृत आत्मा को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग के नाम पर गया तीर्थ के नाम पर विख्यात हुआ। भगवान ने कहा, मैं स्वयं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ यहाँ विराजमान रहूंगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु ने अपने पैर के निशान भी स्थापित किए, जो आज भी वहाँ मंदिर में दर्शनीय है। बहुत ही प्रेरणादायक कथा है, जिसको सुनकर हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा हिंदू धर्म कैसी कैसी कथाएं हैं उसमें। यदि आप उन रास्तों पर चलें, उन मार्ग पर चलें, तो एक असुर जैसे उसने अपना जीवन बदल लिया, तो हम लोग क्यों नहीं बदल सकते अपने जीवन को? हम अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं ला सकते? अवश्य ला सकते हैं, बस जरूरत है तो एक प्रयास की, और हम उस प्रयास को कर सकते हैं और करेंगे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करिए। मेरे साथ चैनल पर बने रहिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।